हेलो गाइस, माय नेम इज विक्रम। वेलकम्स यू टू स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। टॉपिक आपको पता लग गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिरोही का शुभंकर, जो है जंगली मुर्गा। देखो, जंगली मुर्गे के सिर की जो कलंगी होती है वो बड़ी ही शानदार होती है। तो जंगली मुर्गे के सिर की, तो सिर से क्या आ जाएगा? सिरोही। तो जंगली मुर्गा किसका हुआ? सिरोही का हुआ। कलंगी से याद रखना आपने, कलंगी कहां पे होती है? सिर के ऊपर होती है। सेकंड है हमारा टोंक। टोंक का है हंस। इसको कैसे याद करना है? देखो, किसी को टोका मत करो, ऐसा करने से आप उसकी हंसी छीन लेते हो। जब हम किसी को टोक देते हैं तो अगर वो जैसे हंस रहा होता है तो वो चुप हो जाता है ना, तो आपने उसकी हंसी को छीन लिया। तो टोक से हंसी, हंसी से हंस, टिक लग गया। थर्ड हमारा है भरतपुर, सारस। देखो, भरतपुर में भारत आ रहा है तो इसका तो कोई सरस सा होना चाहिए, मतलब जो सरस हो, अच्छा हो, वही होगा इसका शुभंकर। तो भारत से भरतपुर और सरस होना चाहिए इसका, तो सरस से सारस। नेक्स्ट है अजमेर। अजमेर का है खड़मोर। अब देखो, अजमेर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय कहते हैं। हृदय मतलब दिल, और दिल क्या मांगता है? दिल मांगे मोर, और मोर कौन सा? खड़ा हुआ मोर। तो खड़मोर याद रखना है अजमेर का, दिल से याद रखना है, दिल मांगे मोर। नेक्स्ट है अलवर। अलवर का है सांबर। लव करना शाम को जी भर के, तो लव से अलवर, शाम भर मतलब शाम को जी भर के, तो शाम आ गया और भर आ गया, तो शाम भर, मतलब कि शाम को आपने लव करना है जी भर के, तो शाम भर आ जाएगा, टिक लग गया। नेक्स्ट है बांसवाड़ा जल पीपी। तो किसी ने मुझसे पूछा जल पीसी, तो मैंने क्या बोला? ना रे बाबा, बांस आली इसमें से, तो ठीक है। तो जल पीसी, जल पीसी से जल पीपी हो गया। क्यों नहीं पिया जल? क्योंकि उसमें से बांस आ रही थी, तो बांस वाला टिक लग गया। नेक्स्ट है बारह। बारह का है मगरमच्छ। देखो, बार बार मुझसे क्यों पूछ रही हो शुभंकर की ट्रिक आप? चलिए यहां से, आप क्या बोलोगे? मगर ये एग्जाम में आएंगे, मगर ये एग्जाम में आएंगे, तो बार बार क्यों पूछती हो ट्रिक? चले यहां से, मगर ये तो एग्जाम में आएंगे, तो बनाओ बनाओ ट्रिक। तो मगर से मगरमच्छ। नेक्स्ट है बाड़मेर मरु लोमड़ी। अब देखो, आपको पता है जो लोमड़ी है झूठी होती है, एक नंबर की। क्या बोलती है? अंगूर खट्टे हैं, मतलब झूठी है ना ये, इसको अंगूर मिलते नहीं है, तो ये क्या बोलती है कि अंगूर तो खट्टे हैं। ऐसे ही इसने क्या झूठ बोला? है तो ये मरुस्थल की लोमड़ी, और क्या बोल रही है कि हमारे यहां तो बाढ़ आ गई। बाढ़ कैसे आ गई? जहां पे मरुस्थल है वहां पे क्या होता है? बारिश कम होती है, रेगिस्तान होता है, तो वहां पे बाढ़ कैसे आ सकती है? तो ये बोल रही है हमारे तो बाढ़ आ गई, तो ये झूठी एक नंबर की लोमड़ी। तो मरु लोमड़ी कहां की है? बाड़मेर की। नेक्स्ट है भीलवाड़ा मोर। अब आपको पता है मोर कहां नाचता है? जंगल में, और जंगल में कौन रहते हैं? बील। तो बील के सामने क्या नाचता है? मोर नाचता है, तो बीलवाड़ा का मोर हो गया। नेक्स्ट जो बीकानेर का है बट तीतर, और उधर से जो झुंझुनू का है काला तीतर, इन दोनों की इकट्ठी ट्रिक है। तो किसी ने मुझसे पूछा कि कुछ बिका है? बट्टे तो आपने इतने सारे रख रखे हैं कि बहुत सारा कुछ बिक गया आपका, तो मैं क्या बोलूंगा? झुंझुना बिका है, मतलब गुस्से में बोलूंगा झुंझुना बिका है। तो आप क्या बोल लेंगे? चल तीतर हो जा यहां से, तीतर बितर हो जा, कैसे बात कर रहा है, ठीक है। तो बीकानेर का बट तीतर और झुंझुनू का काला तीतर, तीतर बितर हो गया फिर मैं, क्योंकि उसको गुस्से में बोला मैंने। नेक्स्ट है बूंदी का सुरखाव। देखो, सुर्ख गुलाबी होंठ तेरे इतने रसीले मानो बूंदी खाई हो, ठीक है, मतलब उसके जो होंठ हैं इतने गुलाबी हैं और इतने रसीले हैं
ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने बूंदी खाई हो, बूंदी में भी क्या होता है, रस होता है, तो सुर्ख से क्या आ जाएगा, सुर्खाब, और बूंदी हो ही गया, रसीले हैं होंठ, ते सुर्ख गुलाबी होंठ तेरे इतने रसीले हैं कि जैसे बूंदी खाई हो। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा। देखो चित्तौड़गढ़ वाले जो है ना, वो हर चीज को तोड़ते रहते हैं। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने किसी जानवर के सींगों को तोड़ दिया, तो सींगों से क्या आ जाएगा, चौसिंगा, और तोड़ से चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट है चूरू का कृष्ण मृग। जो कृष्ण जी है ना, उनको चूरी बड़ी पसंद है, तो यहां से याद हो जाएगा चूरू का कृष्ण मृग। नेक्स्ट है दोसा खरगोश। देखो अपने कछुए और खरगोश वाली वो स्टोरी तो सुनी होगी, और खरगोश को वो जो रेस लगाई थी कछुए के साथ, वो महंगी पड़ी थी, मतलब उसका जो उसने सौदा किया था कछुए के साथ, उसको महंगा पड़ा। अब सौदा का उल्टा क्या हो जाएगा, दोसा, कि खरगोश को जो कछुए के संग उसने दौड़ लगाई थी, वो वाला जो सौदा था वो भारी पड़ा, ऐसे बोल देते हैं ना, तो सौदा का क्या हो जाएगा, दोसा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका धौलपुर। धौलपुर जो है और जो जयपुर है, इन दोनों को मैं इकट्ठी ट्रिक बताऊंगा आपको। यहाँ पे क्या है, देखो धौलपुर को मान लो डी से, और जयपुर का होता है जे, ठीक है, तो डीजे लगा पीसी से। क्या ट्रिक है, डीजे लगा पीसी से, तो डी से धौलपुर, जे से जयपुर, और पी से क्या है, पचीरा। पचीरा तो किसका हो गया फिर, धौलपुर का, और जयपुर का कौन सा है, देखो सी से चीतल, ऊपरी ऊपर मैंने छोड़ा था क्योंकि इकट्ठी ट्रिक है इनकी, डीजे लगा पीसी से। नेक्स्ट है हनुमानगढ़ का है छोटा किलकिला, तो इसको सीधा याद कर सकते हैं कि हनुमानगढ़ का जो किला है वो क्या है, छोटा है। नेक्स्ट है डूंगरपुर का जांगिल। आपको पता है जो जांग होती है उसमें जो हड्डी होती है वो पहाड़ जितनी मजबूत होती है, और पहाड़ को क्या बोलते हैं, डूंगर भी बोलते हैं, तो डूंगरपुर का क्या हो गया, जांगिल हो गया। नेक्स्ट है जैसलमेर का गोडावन। अब देखो जैसलमेर को हम क्या बोलते हैं, मरुस्थल बोलते हैं, मतलब मरु वाली चीज आ रही है इसमें, और मरने से कौन बचाता होता है, गॉड, तो गॉड किस में आ रहा है, गोडावन में, और लाइफ हमें एक ही बार मिलती है, मतलब वन बार मिलती है, तो वन भी आ गया, ठीक है। तो जैसलमेर क्या बोलेगा कि अपने लिए तो क्या शुभ है, गॉड वाली चीज ही शुभ है जो हमें मरने से बचाती है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, जैसलमेर का गोडावन, मरु से कौन बचाएगा, गॉड बचाएगा, तो गोडावन आ गया। नेक्स्ट है जालोर। जालोर का है बालू। देखो आपने बालू देखा होगा कोई सीरियल वगैरह में या डिस्कवरी चैनल के ऊपर, वो ज्यादा मचलता रहता है, मतलब उसको लोर चढ़ जाती है थोड़ी सी चीज के ऊपर, और वो उछल कूद करता रहता है, तो बालू को क्या चढ़ जाती है, लोर चढ़ जाती है, पंजाबी में बोलते हैं लोर चढ़ गई, तो जालोर से क्या आ जाएगा, बालू आ जाएगा। नेक्स्ट है झालावाड़ का है गागरूनी तोता। देखो झालावाड़ में आपको मिल रहा है लावा, और लावा क्या होता है, ताता होवे बाइला, ताता होवे लावा, तत्ता, ठीक है, ताता होवे ना गर्म, गर्म चीज को क्या बोलते हैं, ताता, ताता से क्या याद रहेगा आपको, तोता, ठीक है। नेक्स्ट है झुंझुनू हमारा हो ही गया उस ट्रिक में। नेक्स्ट है जोधपुर का है कुंजा। देखो जोधपुर से क्या याद करते होते हैं हम, जोधाबाई, और जोधाबाई को किसकी आवाज पसंद है, कुर्जा की, कूं कूं करती रहती है, तो उसकी आवाज उसको पसंद है, तो उसने उसको बना लिया। नेक्स्ट है करौली। देखो करौली से आपने किरली उठाना है, छिपकली को पंजाबी में क्या बोलते हैं, किरली बोलते हैं, और किरली किसके पीछे छुप जाती है, जब मारते हैं तो गढ़ी के पीछे छुप जाती है, जो दीवार के ऊपर गढ़ी टांगी होती है उसके पीछे छुप जाती है, कौन, किरली, किरली से करौली। नेक्स्ट है सीकर। सीकर का है शाहीन। देखो इसमें क्या है, हमने क्या बोला, सीकर, तो जो आगे वाला आदमी था वो क्या बोला, हम शाही लोग हैं जानी, हम सी नहीं करेंगे, तो क्या बोलेगा, हम शाही लोग हैं, तो सीकर मैंने बोला, सीकर वो क्या कहता कि हम शाही लोग हैं, तो शाही से शाहीन। नेक्स्ट है कोटा का उद बिलाव। देखो ये एक ऐसा जानवर है जो अपने ही बिलाव को काट के खा जाता है, बिलाव होता है ना, बच्चे को बिलाव बोलते हैं, तो अपने ही बिलाव को काट के खा जाता है, एक ऐसा जानवर है, काट से क्या आ जाएगा, कोटा आ जाएगा, और बिलाव किस में आ रहा है, उद बिलाव में आ रहा है। नेक्स्ट है नागौर। नागौर का है राजहंस।
अब देखो राजहंस जब आया, शुभंकर जब बंट रहे थे तो सभी की नजर इसी के ऊपर थी, सभी इसी के ऊपर गौर कर रहे थे कि ये किसका शुभंकर बनेगा, कि राजहंस किसका शुभंकर बनेगा, इसी बात के ऊपर सभी गौर कर रहे थे। तो गौर से क्या आ जाएगा, नागौर। नेक्स्ट है प्रतापगढ़ का है उड़न गिलहरी। अब देखो गिलहरी है वो भी उड़ने वाली है, तो मतलब ये तो कोई प्रतापी ही होगी जो उड़ भी सकती है, तो प्रतापगढ़। नेक्स्ट है राजसमंद का है भेड़िया। अब देखो राजा है जो शाम को किसका शिकार करने गया, भेड़िए का। आपने सुना होगा ना अमावस्या की रात है भेड़िया आएगा, ये भेड़िया बन जाता है जो आदमी होता है, तो आपने ये फिर कोई ऐसी चीज देखी होगी आपने। तो शाम को जा रहा है और रात हो जाएगी, और रात कौन सी है, अमावस्या की रात है, किसका शिकार करना है, भेड़िए का। ठीक है, नेक्स्ट है स्वाई माधोपुर का है बाघ। अब बाघ आपको पता है जो बाघ होता है वो क्या होता है, सभी जानवरों में सवा होता है, तो सवा से क्या आ जाएगा, सवाई माधोपुर। नेक्स्ट है पाली का है तेंदुआ। देखो जो भी हमें पालता है वो हमेशा हमारे अच्छे जीवन की क्या करता है, दुआ करता है, तो पालता से पाली और दुआ से तेंदुआ। नेक्स्ट है श्री गंगानगर का है चिंकारा। देखो यहाँ पे गंगानगर में आपको मिल रहा है गंगा मैया, तो हम गंगा मैया के सामने कैसे प्रार्थना करेंगे कि मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊं कि जो कारा हैं वो जूते के कलर से मैच कर बदलूं। मुन्ना भाई का डायलॉग होता है ना, जूते के कलर से मैच करके मैंने गाड़ियां बदलनी, तो इतना मैं अमीर बन जाऊं, गंगा मैया को वो बोल रहा है। नेक्स्ट है उदयपुर का लास्ट है कबर बिज्जू। अब इसमें क्या है, देखो उदयपुर क्या होता है, झीलों की नगरी है, मतलब वहां पे पानी पानी होगा। अब पानी के ऊपर से आने जाने के लिए क्या बना होगा, ब्रिज बना होगा, तो ब्रिज से क्या आ जाएगा, बिज्जू याद आ जाएगा। तो ये हमारे क्या थे, सारे के सारे शुभंकर थे। होप सो आपको ये सारे याद हो गए होंगे। थैंक यू।